हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 112 आबादियों पर फायरिंग की जिससे 52 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ये भी कहा कि भारत बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, पाकिस्तानी फौज से जवाबी कार्रवाई करती है। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया कि वो मेड इन पाकिस्तान है, आवाम पर अब वही राज करेगा जो मेड इन पाकिस्तान है। नवाज शरीफ के दावा, कैबिनेट सदर रिटायर्ड किया, एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगु। जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया पर करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम भी लगा दिया। आबिद शेर अली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत बनेगी। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से मरियम सफदर और दीगर को जारी चेक्स की तफसीलात पेश, इस्तखासा के गवाह का बयान भी रिकॉर्ड। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कुलसूम नवाज के तीमारदारी के लिए लंदन चले गए। नवाज शरीफ की 12 दिसंबर जबकि मरियम नवाज को 15 दिसंबर तक हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल है। सानेहा मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 1 घंटे बाद फैसला सुनाएगा। रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक अदालत के सिंगल बेंच का फैसला पंजाब हुकूमत ने चैलेंज किया था। बाकर नचवी रिपोर्ट पब्लिक ना करने की स्थरा की थी। रोज अरबों गैलन गंदा पानी समंदर में फेंका जा रहा है, इस मामले पर कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसानी जानों और मेरे बच्चों की सेहत का मामला है। अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माहौलियाती आलूदगी केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं एक रुकन की गैर हाजिरी के बाइस फैसला आज नहीं सुना सकते, अब फैसला 13 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 21 दिसंबर तक काम मुकम्मल करके यकम जनवरी 2018 को लियारी एक्सप्रेस वे अवाम के लिए खोल दिया जाए, वरना मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, 3 अरब के मंसूबों की लागत 33 अरब रुपए हो चुकी, कोई भी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, अदालत के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी 50वें यौम तासीस पर इस्लामाबाद में भरपूर सियासी शो के लिए तैयार, परेड ग्राउंड में पार्टी परचमों और बैनर से सज गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कराची के इलाके अंचोली में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान केडीए टीम पर हमला, एमकेएम के रुकन सिंध असेंबली अनवर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में मैरीटाइम सिक्योरिटी जहाज समंदर में उतारने की तकरीब, नेवल चीफ कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ने अहम कामयाबियां हासिल की। गर्दू में मकामी होटल के कमरे में धुआं भर गया, 5 अफराद दम तोड़ गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में जाड़े की धूम, सर्दी आवाम का इम्तिहान लेने लगी, गिलगित में अंगीठियों की फरोख्त और इस्तेमाल में इजाफा, कराची वालों ने भी गर्म कपड़े इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। खत्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बाइस इसराइल और सऊदी अरब मिलकर काम कर रहे हैं, सीआईए के सरबराह माइक पॉम्पियो इनका इंकशाफ, दोनों ममालिक को मुश्तरका फौजी